हमारे साथ नाजिम जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बातचीत हुई, उनकी अभी हनी कीपिंग के साथ वाबस्ता है, बात करते हैं उनसे। नाजिम, ये बताएं, आज प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली आपके साथ बात की, तो आप देख रहे हैं जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है स्पेशली एग्रीकल्चर को लेकर, जिसमें हनी कीपिंग भी आता है, बी कीपिंग भी आता है, तो उसके बारे में पहले बताएं थोड़ा। जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हमारा, मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं 2018 से मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम पे हमें 25 बॉक्सेस मिलते थे, वो 50% सब्सिडी पे। आज आपको 80% सब्सिडी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मिल रही है, उसमें आपको 35 बी कॉलोनीज मिल रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। उस टाइम पे मुझे स्टार्ट करने में बहुत सारी 3 साल लगे मुझे स्टार्ट करने में, तो आज आपको 10-15 दिन लगेंगे स्टार्ट करने में। अगर आप चाहते हो कि आप एक ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर बनो, आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर बनो, तो आपको यही करना है, हॉलिस्टिक में आना है, कोई स्टार्टअप में आना है। इस टाइम पे आपको गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये बताएं कि बी कीपिंग में आप लोगों को ट्रैवल भी कराना पड़ता है बीज को कभी ना कभी, तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है आपको? जी, अगर मैंने स्टार्ट किया था बी कीपिंग पे, तो मैंने बी कीपिंग भी की, मैंने हनी ब्रांडिंग भी की, मैंने अपना ब्रांड भी बनाया, FPO भी बनाया। ये सारा सेटअप धीरे धीरे करके होता है, मगर स्टार्टिंग अगर आपको हनी ब्रांड में आना है, हनी बी कीपिंग में आना है, तो आपको छोटे से शुरुआत करनी। मैंने 2 बॉक्स से शुरुआत की और आज मेरे पास 1000 बॉक्स है और आज मैंने बहुत ही अचीवमेंट की। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, आप 2 बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, 5 बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, बल्कि आपको सरकार अभी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में 35 बी बॉक्स, वो बहुत बड़ी बात है। अगर उस पर आप करना चाहते हो तो आपको आगे कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा था कि प्रधानमंत्री साहब सेल्फी भी लेंगे, फिर आपकी सेल्फी हो गई थी? हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा 2023 में वो मोदी जी का वो कटआउट लगा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे सेल्फी खींची। तो मैंने सोचा, उस टाइम में सोच रहा था ये सेल्फी लेना मतलब थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, तो मैंने सोचा कभी हो सकता है कि मैं रियल में ले लूँ। और आज मैं जब अपने ऑनरेबल PM सर के साथ मिला, तो मैंने उसको ये रिक्वेस्ट की कि सेल्फी, तो उसने उसी टाइम मुझे सेल्फी दे दी। एक आखिरी सवाल ये बताइए, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो है आपके जैसे, स्पेशली एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अभी कैसा माहौल है, ये सही वक्त है क्या, किस वक्त वो आगे बढ़ सकते हैं? अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा वक्त है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। अभी हजारों स्कीमें हैं आपके पास, एक ही नहीं, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे कोई एक स्कीम थी मुश्किली से, एक दो स्कीमें थी मुश्किली से, आज तो आपके पास हजारों स्कीमें पड़ी है। आज आपके पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, आज आपके पास स्टार्टअप्स है, तो अगर आप इस टाइम पे, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन निकालो, फोन पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो और आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक्स सर।